वेलकम बैक इन दिस सी interesting टॉपिक named as icon सेट्स Conditional फॉर्मेटिंग में एक टॉपिक होता है icon सेट्स आपने काफी बार न्यूज चैनल देखा होगा जहां पे सेंसेक्स दिखता है आपको किसका शेयर मार्केट बढ़ चुका है किसका शेयर प्राइस कम हो चुका है या फिर which इज गोइंग अप which प्रॉफिट इज गोइंग डाउन तो ऐसे अगर आप शेयर मार्केट या न्यूज चैनल देखते हो तो वहां पे आपको कुछ आईकॉन्स या इंडिकेटर दिखते हैं तो कैसे यूज करते हैं इन एक्सेल लेट एट एक शीट है सी एफ कंडीशन फॉरमैटिंग दैट इज आईकॉन सेट्स ये जो नंबर्स हैं बहुत ही सिंपल नंबर्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया था डिपार्टमेंट एंड दी काउंट आई गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये बहुत सारे आईकॉन सेट्स होते हैं नाउ यहां पे एक चीज आप नोट करिए डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सेल वर्जन योर यूजिंग दस विल चेंज अगर आप पुराना वर्जन यूज करते हो 2007, 2003, 2010 तो शायद आपको ऑप्शंस थोड़े कम मिलेंगे जितना लेटेस्ट वर्जन आप यूज करोगे उतने ऑप्शन आपको ज्यादा मिलेंगे सबसे पहले आई विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन डायरेक्शनल ऑप्शन जो डायरेक्शन दिखाता है लेफ्ट राइट डाउन अप की आर द डायरेक्शन ऑप्शन अगर आप ट्रैफिक पे जाओगे यू you नो know, ट्रैफिक सिग्नल होता है तो ये आपको ऑप्शन देखेंगे ट्रैफिक सिग्नल पे अगर आप मोबाइल यूज करते हो मोबाइल में आप देखो कि जहां पे नेटवर्क आता है एयरटेल जियो आइडिया वोडाफोन ये अलग अलग सिम कार्ड होते हैं उनका नेटवर्क कितना आता है तो उस हिसाब से दे यूज दिस काइंड ऑफ ऑप्शन और कहीं कहीं पे इंडिकेटर्स यूज होते हैं कुछ आईटी कंपनीज़ में जहां पे सक्सेस फेल ऐसे कुछ ऑप्शन तो है option, आपको अलग -अलग मिल जाएंगे। तो अलग अलग डायरेक्शन में आइकॉन्स मिल रहे हैं कहीं पे डाउन कहीं पे अप अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं सो वट आई कैन डू इज सपोज यहाँ पे इलेवन है जैसे डिपार्टमेंट का अकाउंट कल जाके इस डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा लोग एंटर हो रहे हैं ओके okay? तो 1180 का लेट्स से हेड काउंट बन जाएगा 4000 ओके okay. अभी देखिए इसका एरो है डाउन एरो मतलब कम है सो आई कैन जस्ट पुट एस 4000 व्हेन आई पुट 4000 एंड इफ आई प्रेस एंटर देखिए क्या होता है जो डाउन एरो था अब वो हो गया अप एरो आफ्टर प्रेसिंग एंटर ये अप एरो हो गया तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे उस हिसाब से ये आइकंस चेंज होंगे लेकिन ये पीछे का लॉजिक क्या है डिपेंडिंग अपॉन कौन से वैल्यू पे अप है कौन से वैल्यू पे डाउन है रहो ये मुझे भी नहीं पता है ट्रस्ट मी मुझे भी नहीं पता है और मैं भी याद नहीं रखता हूं तो अगर आपको पता करना है तो यू कैन सिलेक्ट दोल्यूस एंड यू कैन गो टू कंडीशनल फॉरमैटिंग मैनेज रूल्स मैनेज रूल्स में पीछे सारे रूल्स डिफाइन हो चुके होते हैं सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन मैनेज रूल्स ऑप्शन एंड आई कैन शो यू दैट करंट सिलेक्शन में ये रूल अप्लाई किया हुआ आई कॉन्ट्स सिलेक्ट करके आई कैन क्लिक ऑन एडिट रूल ना यहां एक डायलॉग बॉक्स है जहां पे हम लोग एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं बट केयरफुली ऑब्जर्व अभी कौन सा फॉर्मेट स्टाइल यूज यूज किया किया है यहाँ पे किया है आईकॉन सेट्स पिछले दो वीडियोस में आपने कलर स्केल्स एंड डेटा बार्स देखा होगा नेक्स्ट वन अभी आईकॉन स्टाइल जो अप्लाई किया है बैक एंड में ये देखिए अप एंड डाउन एरो की और उसको आप चेंज भी कर सकते हैं बाई चूजिंग सम डिफरेंट ऑप्शन नेक्स्ट वन ये आईकॉन जो कि अप आइकॉन है ये कब अप्लाई होगा आपके वैल्यूज पे व्हेन व्हेन योर वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 67 ग्रेटर देन इक्वल टू 67 नंबर नहीं लेकिन बेस्ड ऑन द परसेंटेज वैल्यू कोई भी 67 परसेंट से ज्यादा जाएगा 67 परसेंट से तब ये जाके अप एरो होगा सेम वे डाउन एरो तब अप्लाई होगा जब द वैल्यू विल गो 33 परसेंट से नीचे ओके okay? एंड मिडिल एरो विल बी बिटवीन सिक्सटी सेवन परसेंट एंड थर्टी थ्री परसेंट परसेंटेज के हिसाब से सो so ऑब्वियसली कल जाके अगर आपको पर्सेंटेज वाइज नहीं चाहिए तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड चूज बेस्ड ऑन नंबर बेस्ड ऑन फार्मूला डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन सो ये हम लोग देखेंगे आने वाले कुछ वीडियोज में लेकिन अगर आपको इसमें कोई वैल्यू चेंज करनी है जैसे सिक्सटी सेवन परसेंट की जगह पे ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी कोई भी परसेंटेज चाहिए तो यू कैन चेंज इट ईर ओके कैन जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन सो अगर अब आप समझ गए होंगे कि 67% सेवन परसेंट थर्टी परसेंट और उनके बीच के वैल्यूज के लिए ये आइकॉन्स अप्लाई हो चुके सेम वे अगर आपको ये नहीं चाहिए आप निकाल सकते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम दी एंटायर शीट आई सिलेक्ट ये देखिए एंटायर शीट यहाँ पे ना अगर आपको कोई दूसरा रूल अप्लाई करना है तो स्टिल यू कैन गो टू कंडीशन फॉर्मैटिंग और आईकॉन सेट्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सो आई रिपीट डिपेंडिंग अपॉन एक्सेल वर्जन ये ऑप्शन आपके चेंज हो सकते हैं सो नाउ आई कैन सिलेक्ट दी ऑप्शन लेट से आपका जो ट्रैफिक सिग्नल होता है ये वाला ठीक है शेप्स ऑप्शन एंड केयरफुली ऑब्जर्व पीछे जाके ये सारे ऑप्शन अप्लाई हो चुके ठीक है तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कंडीशन फॉर्मेटिंग आईकॉन सेट्स इन एक्सेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो